से कॉल कर रहा था, शुक्र है तूने कॉल बैक की। हाँ मैं बस यही कह रहा था, वो तूने देखा मैंने तुझे एक स्क्रिप्ट भेजी हुई है यार, तो ज़रा प्लीज़ यार, तूने पिछली दफ़ा भी कह दिया था, मना कर दिया था, इस दफ़ा देख ले यार, मुझे ज़रा पढ़ के बता दे यार कैसी है। यार जान, टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ने का। सो एज एक्सपेक्टेड, येट अनदर डे इन माई लाइफ। तो चलिए, ये है मेरी ज़िंदगी की रेलगाड़ी, देखें जी मेरी कहानी। वक्त ने मुझे एक ओवर थिंकिंग की दुकान बना दी है, हर बात को 50 दफ़ा सोचता हूँ, क्या ये काम करेगी, क्या ये सही है, कहीं ये गलत तो नहीं, कोई इस पे मुझे बुरा भला तो नहीं कहेगा। किताबों के लफ्ज़ों में ज़िंदगी का मतलब ढूंढता हुआ मैं, अपने शौक पर ये ताने सुनता हुआ मैं। फिल्म मेकिंग क्या मतलब, फनकार बनना है तुम्हें? खुद की चाहत से ज़्यादा किसी और के कहे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हुआ मैं। भाई इसको समझाएं, कोई काम काज करे, इन फजूल चीज़ों में कुछ नहीं रखा। उम्मीदों के पहाड़ तले दबा हुआ मैं, कभी सोचा भी है अपने फ्यूचर का? मायूसी दिल में छुपाए फिरता हुआ मैं, सुनाना चाहता हूँ ये कैफियत आखिर सुनो तो सही, इजहार राय कोई बदतमीजी तो नहीं। संजीदा हूँ मैं भी सुनो तो सही। अरे क्या इस दिन के लिए पैदा किया था तुम्हें? इस तन्हाई के अंधेरे में डूबता हुआ मैं, दिल चाहे एक सफर पजीर होना, वो ऐसा सफर न याद रहे किसी को मेरी। जब मसला जड़ों का ही हो ना, तो उसको बदला नहीं जाता, को अपने हाल पे छोड़ना ही बेहतर। होता है ताज्जुब इस ख्याल पर कि हूँ अकेला इस लोगों के हुजूम में, दोस्तों से महरूम फिरता हुआ मैं, इस वक्त की तेज़ी में अपनी रुकी हुई ज़िंदगी पर आंसू बहाता हुआ मैं, न सुनी किसी ने आवाज़ मेरी, न दिया किसी ने साथ मेरा, खुद को खुद ही सहारा देता हुआ मैं। सोचने बैठा हूँ मैं तो हुआ एहसास इस बात का, आखिर मेरी तरह इस दुनिया की बेहसी का शिकार होंगे और भी। आजकल बच्चे तो बस है मेरे जैसे परेशानियों में घिरे लोग और भी, मेरे ही जैसे गमों में डूबे लोग और भी, मुश्किल वक्त और आजमाइशों से बोझल लोग और भी, उम्मीदी और नाउम्मीदी के जाल में फंसे लोग और भी, अकेलेपन की जंजीरों में जकड़े लोग और भी, न छोड़ना कभी मेहनत का दामन, जो हंसते हैं आज कल तालियां बजाएंगे वो भी। कुछ नहीं कर सकते हो तुम, अकेला तो नहीं हूँ आखिर, ऐ मेरे जैसे इस जहां में जयान और भी।